हदे शहर से निकली गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। हदे शहर से निकली गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। दोस्तों आज के दिन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी जी चैनल पर मैं सतीश कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और देखिए पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं हम लोग, पब्लिक स्पीकिंग मन संचालन की बात करते हैं। पहली बात तो मन संचालन और पब्लिक स्पीकिंग कुछ अलग नहीं है। अगर हम लोगों को शब्द जाल आता है तो देखिए किस तरह से हम लोग पब्लिक को बांध कर रखें, कैसे हम लोग जो सुनने वाले हैं उनको कैसे बांध कर रखें, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों की शायरी ठीक है, शायरी काम आएगी, उसके साथ साथ शब्दों का जोड़ बहुत काम आता है। लोग बैठे हैं, आप बोल सकते हैं कि कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ। कारीगर हूँ साहब, अल्फाजों की मिट्टी से महफिलों को सजाता हूँ, कुछ को बेकार कुछ को कलाकार नजर आता हूँ। देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए हो सकता है कि कई लोगों को मैं बहुत ज्यादा अच्छा ना लगता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, आप भी कुछ करें, मिलकर हम लोग महफिल को सजाते हैं। आप जब भी इंटरेक्ट करते हैं पब्लिक के साथ, जब स्टेज पर बोलते हैं, अगर आपको इंटरेक्ट करना नहीं आता, उनको एक तरह से आपस में संवाद करना नहीं आता, एक वक्ता सफल वक्ता जो होता है वो बोलता नहीं है, वो बात करता है, पब्लिक से बात करता है। देखिए कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन हो, कितना अच्छा बोलने का तजुर्बा हो, शेरो शायरी हो, लेकिन अगर आपको जो है पब्लिक के माइंड को कैप्चर करना नहीं आता, उनके माइंड के अंदर क्या है उसको पढ़ना नहीं आता, तो वक्तव्य में बहुत परेशानी होगी अच्छा वक्ता बनने में। तो कहते हैं कि देखिए आप ऐसा बोल सकते हैं कि शांत शांत बैठे रहोगे तो कैसे बनेगी कहानियां, शांत शांत बैठे रहोगे तो कैसे बनेगी कहानियां, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलें तभी तो बनेगी शायरियां, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए मिलकर कोई भी काम होता है, मिलकर कोई भी काम होता है, कोई भी, जैसे कि एक और बताया जाता है कि दूध को दूध और पानी को पानी कह दूंगा, मेघ की गरजना दरिया की रवानी कह दूंगा, कैश ने लैला को जो भेजी थी प्यार की निशानी कह दूंगा, सूरदास के पद मीरा की वाणी कह दूंगा, अगर यूं ही खामोश रहे तो कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, जरा सा साथ दोगे तो पूरी दुनिया की कहानी कह दूंगा। इंटरेक्ट करना सीखिए, और इंटरेक्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान और इन चीजों का हम लोगों को सहारा लेना होता है, मेडिटेशन है, थोड़ा मैं बताऊंगा अगली वीडियो में या नेक्स्ट नेक्स्ट जो फेस क्रीम वीडियो आएगी उसके अंदर भी किस तरह से। देखिए स्पीकिंग सीखना, लोग कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, अब ऐसा होता है कि मैं आपको कहूं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं, ठीक है पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, लेकिन असल में जो सीखने का मंत्र है वो ये है कि पहले हम अपनी बात को दूसरे के माइंड के साथ कैसे जोड़े, ये बहुत जरूरी हो जाता है। कई बार को कि मैं बोल बहुत अच्छा लेता हूँ, मेरे पास संदेश बहुत अच्छा है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, या सुनते हैं तो लंबे समय तक नहीं, लगभग एक व्यक्ति की कैपेसिटी होनी चाहिए कि 1.5 घंटे तक पब्लिक को रोक सके। अगर वो 1 घंटे 30 मिनट तक एक पब्लिक को रोक सकता है माइंड से, यानी कि लोग मन से बैठे रहे, तो मैं कहता हूँ कि है वक्तव्य का गुण है, तो इसलिए हम लोग यही करेंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि आसमां के नहीं जमी के सही, आसमां के नहीं जमी के सही, तुम भी तो चांद हो कहीं के सही। तो इसी के साथ बस ये कहूंगा कि हम लोग लगे रहें और सफल वक्ता बने, रियल में सफल वक्ता बने, बोलने का तजुर्बा प्राप्त करें, सीखते रहें, अपने आप के लिए प्रैक्टिस करें, आईने में देखकर प्रैक्टिस करें, आप सुंदर लग रहे होगे नहीं लग रहे खुद को, और आपकी बात आपको खुद को मन भा रही है कि नहीं भा रही, ये बहुत जरूरी है, तभी हम लोग दूसरों को पसंद आएंगे। ओके एंड दैट्स ऑल, आप सभी इसी तरह से बने रहिए स्वामी जी चैनल पर, और आप सभी का एक बार फिर से मैं थैंक्स करता हूँ।